press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा कि एमबीसी आरक्षण मामले में सरकार जल्द फैसला नहीं लेती है तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। बैसला जोधपुर में देवासी समाज की ओर से आयोजित बैठक में हिस्सा लेने जोधपुर आए थे। बैसला ने देवासी समाज के अलग अलग गुटों के साथ बैठक कर आरक्षण आंदोलन को तेज करने की भी अपील की। उन्होंने दोनों ही सरकारों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। एक सवाल के जवाब में बैसला ने कहा कि गौरव यात्रा के दौरान महापड़ाव जैसी बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन 15-20 दिन में आरक्षण पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में गुर्जर समाज के साथ देवासी और राजपूतों को भी साथ लेकर संयुक्त विरोध करने की बात कही। आर्थिक आरक्षण के भी पक्ष में एक सवाल के जवाब में कर्नल बैसला ने कहा कि आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की परिकल्पना की जाती है तो वो इसके साथ हैं। उन्होंने एमबीसी में आने वाली जातियों के आर्थिक स्तर पर भी पिछड़े होने की बात कही। सरकार की एक पॉलिसी है डिले, डिफ्यूज एंड डिनाय, दीज आर द थ्री थिंग्स। इस पॉलिसी को वो काम में लाते रहे, लेकिन जब तक हम संगठित नहीं होंगे दोबारा से कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। और जब जब हमने आंदोलन किए हैं, जब जब हमने आवाज उठाई है, जब जब हमने कोई स्टिर की है, हम कुछ लेके ही रहे। पिछले 4.5 साल बीजेपी हमारे लिए कुछ करती नहीं और कांग्रेस हमारे लिए कुछ कहती नहीं। कांग्रेस डजंट से अ वर्ड एंड बीजेपी डजंट डू अ थिंग। हालात नीड और वाटर, ये अपने रास्ते बदल लेंगे। पानी अपने रास्ते अपने आप बना लेंगे। वक्त की मांग अपने आप अपना तरीका ढूंढ लेंगे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।